गुड मॉर्निंग ऑल, मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरुकुल पे स्वागत करता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि रेलवे में जेई की वैकेंसी निकली है, इसमें एक जेई आईटी की पोस्ट है जिसमें 49 वैकेंसी निकली है। तो अब मैंने सोचा है कि हम लोग जेई आईटी की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग डेली क्या करेंगे कि मॉक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डेली मिनिमम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आ सकते हैं, उनका डेली डिस्कस करेंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिससे क्या होंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो भी सॉल्व कर सकेंगे, साथ के साथ के हम कंसेप्ट भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है, आपने सिलेबस देख लिया होगा, उसमें C++, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, जावा, कंप्यूटर नेटवर्क, OS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर डिजाइन, ये सब सिलेबस में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे हमने डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, तो हम सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। हम डेली डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस अच्छी होगी, जो लोग प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस होगी, और जो लोग अपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे वो लोग, उनके लिए वीडियोज भी डली हुई है, तो वहां से भी रेफर कर सकते हैं और क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हम कुछ क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन है इफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पुश वन पुश टू, सीक्वेंस है ऑपरेशन की पुश वन पुश टू देन पॉप देन पुश वन पुश टू पुश वन पुश टू then three times pop then push two and pop push two and pop। क्वेश्चन है कि अगर ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है इन स्टेप, तो आफ्टर परफॉर्मिंग दी ऑपरेशन व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ स्टेप। अगर मान लो कि स्टैक पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक की सिचुएशन क्या होगी, ये क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये ना कभी ना कभी किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम सारे वो सब एक पूरा एरिया कवर कर लेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्टैक पढ़ाया हुआ है आपको, स्टैक में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कहां से होता है, स्टैक से होता है। पहला ऑपरेशन है पुश वन, सपोज स्टार्टिंग में स्टैक क्या होगी, एम्प्टी होगी, पहला एलिमेंट होगा वो वन पुश किया, फिर सेकेंड टू हमेशा टॉप से पुश होगा, तीसरा ऑपरेशन क्या है पॉप, पॉप करेंगे तो क्या पॉप होगा टू। ठीक है, फिर है पुश वन, तो वन पुश करेंगे, फिर क्या है पुश टू, तो कहाँ आएगा वो टॉप पे आएगा, फिर क्या है पॉप, पॉप करेंगे, फिर क्या है पॉप, पॉप करेंगे, फिर क्या है पॉप, पॉप करेंगे, स्टैक क्या हो जाएगी एम्प्टी, देन क्या है पुश टू, टू को पुश करेंगे, देन क्या है पॉप, पॉप। तो हुआ क्या है कि अगर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं उसके बाद स्टैक की सिचुएशन क्या है, स्टैक क्या है एम्प्टी, स्टैक क्या है एम्प्टी। अब इसमें क्वेश्चन कई टाइप कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन एक ये आ सकता था कि सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक की सिचुएशन क्या है, तो स्टैक क्या है एम्प्टी। आप ये इस तरीके से भी समझ सकते थे कि इसमें कितने पुश ऑपरेशन है, आप काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव, और पॉप ऑपरेशन कितने वन टू थ्री फोर फाइव। तो अगर आपको केवल ये पूछा गया है सिचुएशन ऑफ स्टैक, तो आपके लिए बता दोगे कि पांच पुश ऑपरेशन है पांच पॉप ऑपरेशन, तो स्टैक अल्टीमेटली क्या होने वाली है एम्प्टी। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पॉप एलिमेंट, मतलब किस ऑर्डर में एलिमेंट को पॉप किया गया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे हम, वन पुश किया था टू पुश किया था, पहला पॉप एलिमेंट क्या हुआ था, पहला पॉप क्या हुआ स्टैक से टू, टू पॉप हो जाता, फिर पुश किया वन तो स्टैक के साथ क्या जाता वन, फिर पुश किया टू, फिर पॉप करते तो पॉप क्या होता टू, फिर पॉप करते तो पॉप क्या होता वन, फिर पॉप करते तो पॉप क्या होता वन, फिर क्या पुश करते टू, और फिर पॉप करते। तो ये क्या होती, ये होती सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट जो पॉप कर रहे हैं, तो पॉप एलिमेंट का सीक्वेंस क्या होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन से जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। एक तो ये बन सकता है, पहले तो आपको स्टैक के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, पुश ऑफ पॉप ये क्लियर है, टॉप से होते हैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म,
सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद स्टैटिक क्या सिचुएशन बनेगी, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बॉब्ड एलिमेंट है उनकी सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ, अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आए हुए है कि हमें विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ऑफ सिंबल, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ऑप्शन थे स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट, ठीक है। स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है जो सिंबल बैलेंसिंग होती है वो किस डेटा स्ट्रक्चर से यूज होती है, स्टैक से, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर अंडू रीडू फीचर्स, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अंडू रीडू फीचर के लिए यूज होता है। अंडू ऑपरेशन क्या होता है कि जो एलिमेंट या जो ऑपरेशन मैंने अभी परफॉर्म किया है उसको अगर जस्ट मुझे रिवर्स करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि स्टैक एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें मैं जो एलिमेंट अभी इंसर्ट किया है मैं उस एलिमेंट पे परफॉर्म कर सकता हूँ पर्सन में, क्योंकि स्टैक में क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो अगर मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया वो कहाँ किया होगा, टॉप पे किया होगा। तो अब अगर मुझे उसी एलिमेंट को अगर फिर से एक्सेस करना है, क्योंकि अंडू का तो मतलब वही हुआ ना कि जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया है उसको रिवर्स करना, तो वो केवल मैं किसमें कर सकता हूँ, स्टैक में। क्यू में क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब मैं इंसर्ट दूसरी साइड से करता हूँ और डिलीट दूसरी साइड से करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ मैं रियर एंड से और डिलीट करता हूँ फ्रंट एंड से, तो मैं उस एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता जिसको मैंने अभी करंटली एक्सेस किया, ठीक है। तो अंडू रीडू फीचर्स के लिए भी कौन सी डेटा स्ट्रक्चर होती है, स्टैक। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर पॉप आ एलिमेंट इन स्टैक, क्वेश्चन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर पॉप आ एलिमेंट इन स्टैक ऑफ साइज एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर पॉप आ एलिमेंट इन स्टैक ऑफ साइज एन, मतलब एक स्टैक है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ने एन है, उसमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉप करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि स्टैक में जो पॉप होता है वो हमेशा कहां से होता है, टॉप से, ठीक है, कहां से होता है टॉप से। तो टॉप से किसी एलिमेंट को पॉप करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ वन। क्यों होगी, क्योंकि देखो स्टैक में भले ही नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, एन हो, लेकिन जो भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कहां से होगा, टॉप से होगा। तो स्टैक के अंदर जो एन एलिमेंट है उनको एक्सेस करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको केवल कितने एलिमेंट एक्सेस करना है, एक एलिमेंट, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, मैंने आपको डिस्कस कराया है। ऑप्शन थे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सेम एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अलग होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलग होता है। आर डेटा टाइप दैट कैन नॉट बी इनिशियलाइज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का डेटा टाइप से कुछ नया नया नहीं है। थर्ड, आर डेटा टाइप टाइप फॉर विच ओनली द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट कैन बी यूज बट नॉट एन, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन ये थी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक डेटा स्ट्रक्चर होता था जिसमें हम उसके ऑपरेशन डिफाइन करते थे, जिसको जो ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म करते थे। तो ये ऑप्शन सही है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या डेटा टाइप इन फॉर विच ओनली द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टैक्स आर नीडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ मेनी स्टैक्स आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट अ क्यू, एक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी स्टैक लगती है। तो ठीक है, क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि दो स्टैक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है उसकी आपको इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये याद रखना की अगर एक क्यू बनाना है यूजिंग स्टैक तो आपको दो स्टैक की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको एक स्टैक बनाना है यूजिंग क्यू तो भी आपको दो की भी जरूरत पड़ेगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन आता है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं उसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन डेरिवेशन भी आता है, कैसे हम दो स्टैक की हेल्प से आप समझ भी सकते हो कि स्टैक में हमेशा क्या होता है टॉप से ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और क्यू में क्या होता है एक स्टैंड से हमारा क्या होता है डिलीशन होता है और सेंड से इंसर्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है दो स्टैक लगेंगे क्योंकि स्टैक में एक ही एंड से परफॉर्म होता है, तो एक इस साइड से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक इस साइड से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, आप इस तरह समझ सकते हो। बाकी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है वो मैं वीडियो में समझाऊंगा, तो मैं आप वहां से देख लेना
अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि अगर मुझे एक क्यू इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग स्टैक तो कितनी स्टैक की जरूरत पड़ेगी मुझे, दो स्टैक की, और अगर मुझे एक स्टैक इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग क्यू तब भी मुझे कितनी क्यू की जरूरत पड़ेगी, दो क्यू की। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है और आपको ये पूछा है कि जब फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो स्टैक पर जो टू एलिमेंट रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये था 8, 2, 3। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है इसको मैं इवेल्यूएट करूं यूजिंग स्टैक, तो जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इवेल्यूएट होगा उस टाइम पे स्टैक पे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, द टॉप टू एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट, मतलब इसको इवेल्यूएट होने के बाद जो स्टैक पे टू एलिमेंट रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं, अगर किसी को ये नहीं पता है कि इवेल्यूएट कैसे करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो मेरी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या ऑपरेंड स्टैक बनती है, तो सबसे पहले क्या आएगा 8, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, फिर क्या है पावर ऑपरेटर है, तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, तो ये बनेगा ऑपरेंड 2, ये बनेगा ऑपरेंड 1, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 3, ये ऑपरेंड 2, ये ऑपरेंड 1, तो उसको वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा आंसर 8 आएगा, तो ये सब पॉप हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा पुस। ठीक है, इधर हमने कहा था कि वैल्यू कर लिया यहाँ तक, फिर क्या आएगा डिवीजन ऑपरेटर आएगा, तो फिर ये बाइनरी ऑपरेटर है तो दो ऑपरेंड पॉप होंगे, तो ये ऑपरेंड 2 बनेगा, ये ऑपरेंड 1 बनेगा, तो 8/8 क्या आएगा 1, ये दोनों पॉप हो जाएंगे और क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट ऑपरेंड क्या है 2 पुश होगा क्योंकि ऑपरेंड है, तो नेक्स्ट क्या है 3 ऑपरेंड है तो पुश होगा, नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जब परफॉर्म होगा तो क्या होगा 3 × 2 क्या आएगा 6, 3 ऑपरेंड 2 बन जाएगा, 2 ऑपरेंड 1 बन जाएगा, आंसर कितना आएगा 6। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन जब परफॉर्म हुआ तो उसके बाद स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट है 6,1, तो इसका आंसर क्या हुआ 6,1। क्लियर? हम इसको पूरा भी वैल्यूट कर सकते हैं, अगर इसको पूरा वैल्यूट करेंगे तो क्या आएगा, अब प्लस आएगा तो 6 + 5 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, देन फिर क्या आएगा 5, तो 5 स्टैक पे जाएगा, फिर क्या आएगा 1 स्टैक पे जाएगा, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 5 क्या हो जाएगा 5, फिर क्या आएगा माइनस, तो 11 - 5 क्या हो जाएगा 6। तो अगर मैं इसको पूरा भी परफॉर्म करूंगा तो आंसर क्या आना है 6। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमको पूछा गया था, कि अगर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट परफॉर्म होता है तो आफ्टर परफॉर्मिंग फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ स्टैक, तो स्टैक की सिचुएशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है 6 टॉप पे, देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एरे है मल्टी डायमेंशन अरे है जिसका नाम है ए, कैरेक्टर टाइप की है 100/100 की। ठीक है, और ये बाइट एड्रेसेबल है, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट है वो कितना मेमोरी ले रहा है 1 byte ले रहा है। ठीक है, और पूछा गया है कि ए 40 50 का एड्रेस क्या हुआ। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो स्टार्ट हो रहा है वो एड्रेस हो रहा है 0 से, एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं लिंक में वीडियो दे दूंगा, वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। बाकी अभी ये क्वेश्चन क्या है, देखो एरे से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है एड्रेस कैलकुलेशन की। ठीक है, 1 dimension एरे में एड्रेस कैलकुलेट कैसे होता है वो एकदम इजी है, उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा। 2 dimension में अगर आता है क्वेश्चन तो थोड़ा टफ पड़ता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। इसके ऑप्शन जो गिवन है, ऑप्शन है ए 4040, बी 4050, सी 5040, डी 5050। वैसे मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर भी अगर आपको रेफर करना है तो आप मेरी वीडियो रेफर कर लीजिए, उसमें एकदम स्क्रैच से गिवन है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
तो अब 100 बाय 100 की एरे है, मुझको एड्रेस कैलकुलेट करना है 40-50 एलिमेंट का, ठीक है। आपको बताया कि इसमें ये कैसे करता है रो, ये कैसे करता है कॉलम। इसका मतलब क्या है कि एक एरे है जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 100 है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 100 है, ठीक है। मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना है 40-50 का। तो आप समझिए कि जैसे मान लो अगर मेरी एरे होती मान लो 3x3 की, कितने की 3x3 की, तो इसका मतलब क्या होता है कि तीन रो होती और तीन कॉलम होता, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, आपको पता है एरे में क्या होता है एलिमेंट कंटीग्यूअस लोकेट होते हैं। तो फर्स्ट एड्रेस ये, सेकंड एड्रेस ये, थर्ड एड्रेस ये, फिर फोर्थ एड्रेस ये, फिफ्थ एड्रेस ये, सिक्स्थ एड्रेस ये, सेवंथ एड्रेस ये, एट्थ एड्रेस ये, नाइन्थ एड्रेस। होता क्या है रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये मानते हैं अगर गिवन नहीं है कि रो मेजर ऑर्डर में, अगर गिवन होता तो हम कॉलम मेजर ऑर्डर में मानते, अगर गिवन होता ही कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर किए गए, नहीं तो हम क्या मानेंगे रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किए हैं। रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किए हैं उसका मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फिर फोर्थ ये, फिर फिफ्थ ये, फिर सिक्स ये, फिर सेवंथ ये, फिर एट्थ ये, फिर नाइन्थ ये। क्योंकि आपको पता है एरे में क्या होता है एलिमेंट कंटीन्यूअस स्टोर होते हैं। तो मल्टी डायमेंशन तो ऐसे बनेगी रो और कॉलम में, लेकिन ये मेमोरी में स्टोर कैसे होंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर अब आपसे ये पूछा जाता कि फर्स्ट एलिमेंट, आपको गिवन होता कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जीरो है और हर एक एलिमेंट वन बाइट ले रहा है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, तो आप बता पाते। अगर ये मान लो जीरो है तो वन है, टू है, थ्री है, फोर, तो सर क्या आया था फोर आया था। अगर ये वन होता तो वन टू थ्री फोर फाइव आ जाता, क्लियर। इसका पूछा जाता तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आ जाता, बता पाते कि नहीं बता पाते। तो उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब अगर मान लो ये 100 बाय 100 की एरे है, तो आपको पता है कि 100 रो होंगी यहाँ पर और 100 इधर कॉलम होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हर एक एलिमेंट वन बाइट ले रहा है, तो एक रो में इधर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 100, कितने होंगे 100, ठीक है। तो इसका एड्रेस वन होगा, इसका एड्रेस टू होगा, तो इधर कितने एलिमेंट, कितने एड्रेस चले जाएंगे 100। ऐसी कितनी रो है यहाँ पर 40 रो है, मतलब फर्स्ट रो में 100, सेकंड रो में 100, थर्ड रो में 100, फोर्थ रो में 100, ऐसे कितनी रो में 100 चले जाएंगे 40 रो में, तो 100 चले जाएंगे, ठीक है। तो 40 रो में 100 चले जाएंगे, तो 40 इंटू कितना हो जाएगा 100, मतलब 4000, इतने एड्रेस तो हमारे निकल गए। क्योंकि देखो ये 0x0 से स्टार्ट हुई होगी, तो 40 है, इसका मतलब क्या है कि 40 रो से ऊपर खत्म हो गई, ठीक है। तो 40 रो ऊपर तक खत्म हो गई, क्योंकि ऐसे समझो ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो रो, वन फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और जब 40 रो आई होगी उससे पहले क्या होगी 39th रो होगी। तो आप यहां से यहां तक कैलकुलेट अगर करोगे तो नंबर ऑफ रो कितनी मिल जाएंगी 40। तो ये 40 रो तो कंप्लीट हो गई है, तो 40 रो कंप्लीट होंगी, तो एड्रेस कितने ले लिए होंगे उनने 4000। अब इस रो में, इस रो में कौन से नंबर का एलिमेंट है, ये 50th नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां से देखो इस रो में 4000 जो पहला एलिमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा 4001, सेकंड का 4002, थर्ड का 4003, तो 50th एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 50 ऐड कर दो उसमें, तो क्या होगा 4050, ठीक है। तो अगर ये 40-50 का एड्रेस हमको निकालना है तो कितना आएगा 4050। कैसे किया हमने, आपको बताया कि ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, और 100x100 की क्या है आपकी एरे, तो हर एक रो में 100 एलिमेंट होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट एक कॉलम में आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट हर एक रो में होंगे। तो 40 कैसे कर रहा है कि इससे पहले 40 रो आ चुकी है, इससे पहले कितनी रो आ चुकी है 40 रो आ चुकी है, और हर एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 100, तो इससे पहले कितने एलिमेंट आ चुके होंगे 40 × 100 मतलब 4000, इतने 4000 एलिमेंट आ चुके होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट वन बाइट ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस पर्टिकुलर रो में ये कौन से नंबर का एलिमेंट है 50 नंबर का, तो 50 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या होगा 4050, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको इसको फिर से क्लियर करूंगा। अब हम क्या करेंगे, आज से हम डेली ऐसे मॉक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हमने स्टैक और एरे से क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसे हर एक टॉपिक से हम डेली क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, जो आपको
आने वाले फर्दर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको आपको हेल्पफुल रहेगा। और अभी आरआरबी जेई की पोस्ट आई गई है तो उसमें आपको ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप ये वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिले। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं और फर्दर वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।